नमस्कार दोस्तों, इंडिया आईक्यू में आपका स्वागत है। आपने अभी तक सुना होगा कि देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले गांधी बहुत ही महान व्यक्तित्व के थे, युग पुरुष थे। लेकिन आज हम आपको गांधी जी के बारे में एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। बस आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपके गुजारे हुए 3 से 4 मिनट आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर हमारे राष्ट्रपिता क्या ऐसे भी थे। तो आइए शुरू करते हैं। गांधी जी जब बैरिस्टर बनकर दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया और वहां सबसे ज्यादा साथ दिया जर्मन मूल के करोड़पति यहूदी जिनका नाम था हर्मन कालेनबाक। जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो हर्मन कालेनबाक की है। ये वही व्यक्ति हैं जिसका नाम गांधी जी के साथ रहस्यमयी रिश्तों के साथ जोड़ा जाता है। लंबा चौड़ा शरीर, दोहरे बदन के गठीले कालेनबाक पेशे से आर्किटेक्ट थे, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे बनाते थे। उनके पास कितना अधिक पैसा था इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने 1910 में 1100 एकड़ का फार्म खरीदकर गांधी जी को दे दिया और उसका वो कोई किराया भी नहीं लेते थे। ये वही फार्म हाउस था जिसका नाम गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म रखा था। बात आगे करूं उसके पहले कालेनबाक और गांधी के रिश्ते कैसे मजबूत हुए वो भी जानना जरूरी है और हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जाता है कि गांधी और कालेनबाक में मित्रता के रिश्तों से भी आगे और भी बहुत कुछ था। और आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसने दोनों के बीच इस रहस्यमय संबंध में थोड़ा शक पैदा कर दिया। कालेनबाक बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे लेकिन उतने ही खर्चीले भी। वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ यानी विलासी जीवन जीते थे। 1903 में डरबन में जब पहली बार कालेनबाग की मुलाकात गांधी जी से हुई तभी कालेनबाग गांधी से प्रभावित हो गए और धीमे धीमे उनकी मुलाकात एक अच्छी दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पहली मुलाकात के 5 साल बाद यानी सन 1908 में गांधी दक्षिण अफ्रीका में कालेनबाग के घर में ही रहने लगे। गांधी को कालेनबाग का खर्चीला रवैया कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने कालेनबाग को कई बार डांटकर या अपनेपन से समझाकर कालेनबाग का खर्च 90% तक कम करा दिया। कुछ सालों बाद गांधी और कालेनबाग दोनों टॉलस्टॉय फार्म में साथ साथ रहने लगे और दोनों वहां से रोज ऑफिस 12 मील दूर पैदल भी जाने लगे। गांधी जी कालेनबाग को अक्सर लेटर लिखते थे। जब भी कालेनबाग बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाते थे गांधी उन्हें जरूर लेटर लिखते थे और लेटर में गांधी कालेनबाग को लोअर हाउस के नाम से संबोधित करते थे जबकि कालेनबाग गांधी को अपर हाउस कहा करते थे। कालेनबाग और गांधी के रहस्यमय रिश्तों के कुछ प्रमाण उनके आपस में लिखे गए लेटर से मिलते हैं। इंग्लैंड यात्रा के दौरान कालेनबाग यानी कि लोअर हाउस ने गांधी जी को यानी कि अपर हाउस को कई सारे लेटर्स में ये लिखा कि तुम मेरे सपने में आते हो, तुम्हारी याद मुझे आती है और दीवार पर जो घड़ी है वो तुम्हारे साथ बिताए गए लम्हों की याद दिलाती है। इसके एवज में गांधी जी के द्वारा कालेनबाग को लिखे पत्र का भी जिक्र करना जरूरी है। 24 सितंबर 1909 के गांधी जी के कुछ लेटर मिले हैं जब गांधी जी इंग्लैंड गए थे। उन्होंने लिखा कि मेरे बेडरूम में सिर्फ एक ही फोटो है जो तुम्हारी है और कंघी और वैसलीन तुम्हारी याद लगातार दिलाते हैं और अगर भुलाना भी चाहूं तो भी मैं भुला नहीं पा रहा हूं। बात यही खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने इसी लेटर में आगे लिखा कि मेरे शरीर पर पूरा अधिकार तुमने जमा लिया है, जो मैं सोच रहा हूं शायद आप भी वही सोच रहे होंगे। और रही सही कसर जोसफ लेवी वेल्ड ने अपनी किताब ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया में लिखकर पूरी कर दी। इसमें उन्होंने लिखा कि गांधी और कालेनबाग में आपस में दोस्ती से ज्यादा कुछ और भी था। उनका इशारा गांधी के गे होने पर था। जोसेफ लेवी वेल्ड की किताब गुजरात में बैन कर दी गई क्योंकि कहीं ना कहीं इस किताब में गांधी के लिए होमो या गे होने का शक पैदा किया गया है। गांधी और कालेनबाग का एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो ये
कि जब कालेनबाग कई सालों बाद अपनी फैमिली से मिलने जर्मनी जा रहे थे, तब गांधी जी ने कालेनबाग से 29 जुलाई 1911 को एक लीगल एग्रीमेंट करवाया और उस एग्रीमेंट में जो लिखा था उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसमें लिखा था कि कालेनबाग मेरी गैर मौजूदगी में वहां शादी नहीं कर सकते और ना ही किसी औरत को बुरी नजर से देख सकते हैं। गांधी 1915 में जब हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए, तब हरमन कालेनबाग भी गांधी जी के साथ भारत आना चाहते थे, लेकिन तब प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ चुका था और जर्मनी और ब्रिटेन की सेना आमने सामने थी। क्योंकि कालेनबाग जर्मनी के थे और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का शासन था, इसलिए उनको भारत में आने का वीजा नहीं मिला। फिर भी लगभग 22 साल बाद 1937 में कालेनबाग गांधी जी से मिलने भारत आए। हरमन कालेनबाग को उनकी बदली हुई सादगी भरी लाइफस्टाइल और इंडियन वेशभूषा अपनाने के कारण वहां के लोग उन्हें भारतीय समझने का धोखा खा जाते थे और हरमन की जगह उन्हें हनुमान बुलाते थे। हरमन कालेनबाग हरमन से कब हनुमान बन गए, ये खुद हरमन कालेनबाग भी नहीं जान पाए। गांधी और कालेनबाग के इस रहस्यमय रिश्ते को सिर्फ दो ही लोग जान पाए, एक कालेनबाग और दूसरा खुद गांधी जी। और बाकी हमारे और आपके जैसे लोग तो बस रहस्यमय रिश्तों पर सिर्फ कयास ही लगाते रहे। और इन दोनों के रिश्तों पर किया गया शक शायद ही कभी किसी का दूर हो पाए, क्योंकि अब हमारे पास शक को खत्म करने के लिए ना ही कालेनबाग है और ना ही गांधी। अगर है तो बस इन दोनों के किस्से, वो भी सिर्फ कयास लगाने के लिए। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गांधी जी से जुड़ा हुआ अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।